नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर और क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने आज 29 फरवरी की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए, सुक्खू सीएम बने रहेंगे। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, हमारे लिए अब लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद हर कोई सोचने लगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार टूट रही है। मुझे ये खबर भी मिली कि राज्य के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी मैंने कड़ी निंदा की, खंडन किया। उन्होंने कहा ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अंतिम वोटिंग के दौरान हमारी संख्या कम हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी किस बहुमत की बात कर रही है, उन्होंने ही संसद में हंगामा किया। मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ कि वो किस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, ना उसके पास बहुमत है। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी सरकार को गिराना है, लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद शिमला में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने मीडिया के सामने ही लगभग बगावत का ऐलान कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को 6 बागी कांग्रेस विधायकों की शिकायत को जायज ठहराया और कहा कि इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों के मोहभंग को उचित ठहराते हुए कहा कि किसी ने भी उन लोगों की शिकायतों का समाधान करने की कोशिश नहीं की। प्रतिभा ने कहा एक साल से अधिक समय हो गया है जब से वो अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे हैं, अगर कोई समाधान निकाला गया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर जो खतरे का अंदेशा लगाया जा रहा था उसको अब विक्रमादित्य सिंह ने ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षकों की बातचीत पूरी होने तक वो इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के व्यापक हित और एकता के लिए मैंने सुबह इस्तीफा दिया था, जिसे सीएम ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मैं इस पर और दबाव नहीं डालना चाहूंगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उनके बुधवार सुबह इस्तीफे के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार के गिरने का अंदेशा जताया जाने लगा था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आज आखिरी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हुई। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सभी 48 लोकसभा सीटों पर चर्चा पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी सहित MVA भागीदारों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि MVA दलों ने बुधवार की बैठक के दौरान केवल सीट बंटवारे पर चर्चा की और व्यक्तिगत उम्मीदवारी पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बाद में उम्मीदवारों और निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करने के लिए MVA पार्टियों के शीर्ष नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की अंतिम बैठक होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें काफी समय से चल रही थी। अब इन अटकलों पर नकुलनाथ ने विराम लगा दिया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग आगामी चुनाव में हार के डर से अफवाह फैला रहे हैं कि मैं और कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से साफ करना चाहता हूं कि ना कमलनाथ जी और ना नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता के बाद से किसान आंदोलन का असर कुछ हल्का हुआ है, लेकिन एक बार फिर किसान संगठनों ने गुरुवार को एक मीटिंग बुलाकर आंदोलन को तेज करने की तरफ कदम बढ़ाए। बता दें, जब 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमा थे, तब कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं ने मुखरता से आवाज उठाई थी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर इन नेताओं ने बीजेपी में होते हुए भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। जैसे पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने किसान फर्श की बात कही, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PM से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। सुनील जाखड़ ने तो हरियाणा प्रशासन से संयम बरतने की बात तक कह दी। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को युवा किसान शुभकरण की मौत के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। पंजाब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध बुधवार देर रात समाप्त हो गया। किसानों ने गुरुवार 29 फरवरी को शुभकरण का अंतिम संस्कार कर दिया। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को TMC ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया है। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने
10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अवैध खनन के एक मामले में सीबीआई की ओर से भेजे गए समन को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने समन भेजे जाने की टाइमिंग और एजेंसियों की कार्यशैली पर वही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सीबीआई की तरफ से जो कागज आया था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, ये भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले समन भेजा जा रहा है। देश के लोगों की आंखें थोड़ी ही बंद हैं, ये उत्तर प्रदेश से ही आए थे और अब उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 राजनीतिक दलों ने साल 2022-23 की अपनी आय घोषित कर दी है, जो 3,077 करोड़ रुपए है। इसमें से लगभग 2,361 करोड़ रुपए बीजेपी की आय है। ADR के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.7% हिस्सेदारी बीजेपी की ही है। कांग्रेस ने 452.375 करोड़ रुपए की आय घोषित की है, जो इस फहरिस्त में दूसरे पायदान पर है। इस राशि 6 दलों की कुल आय का 14.70% है। कांग्रेस के अलावा BSP, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और CPIM ने अपनी आय घोषित की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर सौम्य प्रसाद मौर्य ने, फिर सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता भागी हुए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव इन झटकों से उबर भी नहीं पाए कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दी है। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड कर दी है। अखिलेश यादव को ये धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने MIM से समझौता कर उसे 5 सीटें नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि मुस्लिम बाहुल 25 दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। राजस्थान की एक अदालत ने 1993 ट्रेन विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। अजमेर में टाटा अदालत ने गुरुवार को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए ये फैसला किया। 2 अन्य आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी पाया गया और अदालत ने उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रामपुर जिले के मिलक क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प में गोली लगने से एक दलित युवक की मौत हो गई तथा 2 लोग घायल हो गए। परिजनों का आरोप था कि दलित किशोर की मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस ने मंगलवार देर रात शव को कब्जे में लेकर बुधवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया। सरकारी एम्बुलेंस से शव को गांव लाया गया, लेकिन परिजनों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने से मना कर दिया। वहीं मिलक SDM व तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित लोग FIR में SDM व तहसीलदार का नाम शामिल करने व 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय सांसद व अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। कथित तौर पर उचित कार्रवाई का लिखित में आश्वासन मिलने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 6.5 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प में 17 साल के एक दलित युवक की मौत हो गई। रामपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 25 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जिनमें 3 पुलिस वाले और 2 होमगार्ड भी शामिल हैं। यूपी के कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव पेड़ पर फंदे से लटके हुए थे। उनके परिजन ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। उन्होंने ठेकेदार और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती रात 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले। परिजनों के मुताबिक ईंट भट्टे पर शराब पिलाकर लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने फांसी लगा ली। दोनों का शव पेड़ पर दुपट्टे के सहारे लटका मिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद पुलिस ने बयान दिया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने बताया कि परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर इस मामले में IPC की धारा 376D, 306, पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों अभियुक्त बच्चियों के दूर के रिश्तेदार हैं। आरोप है
कि बच्चियों के साथ मारपीट की गई, उनका वीडियो बनाया गया और उसके आधार पर यौन शोषण किया गया। तीनों अभियुक्तों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीडीए ने उत्तराखंड टनल में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाली रेड माइनर्स दल के सदस्य वकील हसन के घर को अवैध बताकर तोड़ दिया। वकील हसन और उनके साथी मुन्ना कुरैशी ने जब डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस उन दोनों को उठाकर थाने ले गई। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रात 8 बजे थाने से छोड़ा, तब तक उनका पूरा मकान ध्वस्त किया जा चुका था। रेड होल माइनर वकील हसन का कहना है कि डीडीए प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर को ढहा दिया। उनका कहना है कि मैंने 2013 में ये मकान खरीदा था, मकान की रजिस्ट्री 1987 की है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनका मकान ढहा दिया। वकील हसन का कहना है कि इस पूरी कॉलोनी में डीडीए ने सिर्फ मेरा मकान ही तोड़ा है। इसकी वजह यह है कि वो लगातार मुझसे पैसों की मांग कर रहे थे। एक बार तो मैं पैसे दे चुका था, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।